بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل لي فيه من المستغفرين واجعل لي فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعل لي فيه من اوليائك المقربين برافتك يا ارحم الراحمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المبين وفرقان الحميد وقوله الحق إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على

मुझे माफी मांगने वालों में से करार दे आज के दिन मुझे नेकुकार इबादत गुजार बंदों में से करार दे और आज के दिन मुझे अपने नजदीकी दोस्तों में से करार दे अपनी चाहत से बेरा का या अरहमर राहमीन अपनी चाहत से रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले अल्लाह व व अल्लाहम्म तो आज हमने अल्लाह से कितनी चीजें मांगी आज हमने अल्लाह से तीन चीजें मांगी खुदाया मुझे मुस्तफरीन मुझे इस्तफार करने वालों में करार दे दूसरा हमने अल्लाह से क्या मांगा इबाद साल मुझे साल इबादत गुजार बंदों में से करार दे और तीसरा हमें तेरे ओलिया खुदा ओलिया मुखरबीन में से तेरे करीबी लोगों के साथ करार दे तेरे दोस्तों में शुमार कर और हम, यानी हमे, हमें हमें तुझसे नजदीक कर दे तो ये तीन चीजें आज अल्लाह सुबहान वाली से हम तलब करते हैं हम अल्लाह से मांगते हैं जब बात इस्तफार किया है ये महीना मकफिरत का महीना है ये महीना अल्लाह से करीब होने का महीना है ये महीना जन्नत में दाखिल होने का महीना है जन्नत को अपने नाम करने का महीना है क्यों मर्तबा मरतबा अहमद मुशतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लासम अल्ला मोहम्मद वाले मोहम्मद वर्ज आप क्या फरमाते रसालत में आप फरमाते जब माए रमजान मुबारक की खसूसियात को बयान करते फजाइल को बयान करते तो आप सल्लाह वसल्लम फरमाते जैसे आ, मैं अपने अल्फाज में कह रही हूँ कि आपने कहा कि इस महीने में अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते अल्लाह की जन्नत के दरवाजे खुल जाते इस महीने में दोजक के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इसे बंद ही रहने दे अब इसे बंद ही रखना है परमानेंटली अपने लिए तो क्या करना होगा इस्तेफार करना होगा जो गुनाह मैं कर चुकी हूँ वो मुझे खुदा की बारगाह में तोबा करनी है तोबा करनी है तो सच्ची तोबा करनी है यानी कभी कभी अगर हम सोचते ना कि खुदा ने क्यों का अस्तक फिर रबी व अठुबले सेवेंटी टाइम्स पढ़े या अजतक फिर असलह तोबा सेवनटी टाइम्स गए या नमाज शब में थ्री हंड्रेड टाइम्स अलफ पढ़े अल्लाह ये क्यों कह रहा है तो शायद इसलिए खुदा कह रहा है कि तुझे कुछ एहसास तो हो कि तू क्या बोल रही है मैं जबान से अलाफ अलाफ़ अलाफ़ कहती चली जाऊं वो थ्री हंड्रेड के पता नहीं थ्री फिफ्टीन हो गए मुझे एहसास ही नहीं मैं बस गिनते जा रही हूं जल्दी जल्दी और मैंने नमाज मुकम्मल की कभी ये भी होता है कि मैंने एक मरतबा का अलआफ यार मेरे मालिक माफ कर दे मगर उस एक अफ में मैंने अपने बहुत सारे गुनाहों को याद कर लिया वो एक आश खौफ खुदा में जब मेरी आंख में आ जाए तो मेरा वजूद पाक हो जाता है वो वो एक कतरा आश जहन्नम की आँख को बुझाने पे काफी हो जाता है तो जब मैं रिपीट करती जाऊंगी अस्तक फिर तो शायद मुझे याद आएगा आज मैंने झूठ बोला आज मैंने गिबत की आज मैंने नमाज देर से पढ़ी बहुत सारी चीजें जो जहन में आएगी जब याद आएगा गुना तो तौबा होगी जल्दी करें ये महीना अस्तफार का महीना है अब यहाँ पर जैसे मैं आपके सामने एक जिक्र एक पेश करूं कि मरतबा आपका सुना हुआ हो सकता है एक शख्स था फजैल इबन अयाज फल लुटेरा था चोर था डाकू था मगर प्रिंसिपल वाला था यानी देखिए मैं ये वाकया तो शायद आपने कई बार सुना होगा मगर एक नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहती हूँ कि अगर मेरे अंदर जर्रा बराबर भी नेकी है तो अल्लाह मुझे उसका आजर देगा और वो आजर सिर्फ मुझे नहीं मेरी नस्लों को भी देगा अल्लाह इतनी सी भी जर्रा बराबर नेकी को भी जाया करने वाला नहीं है फुज़ैल बहुत बुरा था चोर था मगर उसके अंदर एक अच्छी आदत थी कि वो जब लूटा था जब किसी के ये नो जैसे रास्ते में पायरेट्स होते हैं लूट लेते कार को तो ये क्या करता था ये जब अपने ग्रुप के साथ मसलन लोगों के माल सामान को लूट रहा है तो ये कहता था औरतों का सामान ना लेना औरत की बैग औरत का पर्स मत लेना वो विमेन को रिस्पेक्ट करना ये कहता था जईफ़ों से ना लूटो बच्चों को तकलीफ ना दो बच्चों का सामान ना लो और अगर पता चले कि इस कारवा में कोई गरीब है तो उस गरीब को भी न लूटो यानी गरीब के घर गर में चोरी नहीं बूढ़ों के घर में चोरी नहीं बच्चों को परेशान नहीं औरतों को परेशान नहीं करना उसके अंदर ये सिफात होती थी अच्छा कमाल की बात ये थी कि जब ये उस कारवा को लूटता था तो ये मर्दों को जब लूटता था जब हेल्दी यंग पीपल को जब लूटता था तो उनसो ये कहता था कि ठीक है मैं मिसाल दे रही हूं कि अगर तेरे पास दस हजार रुपए है तो दस हजार में से दो सौ तो रख ले यानी तेरे आने जाने का जो जो जादरा होगा जो रास्ते में खाने पीने का खर्च होगा टिकट का जो किराया जो मामूलन जो अगर तेरे जो तेरी जरूरत है उतना तू माल रख ले बाकी सारा मुझे दे दे तो बड़ा प्रिंसिपल्स वाला ये चोर था और जो यानी अब उसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें तो एक मरतबा रिवायत कहती है कि ये कहीं पे गया या किसी कारवा सराई में रुका या कहीं पे इसके कानों में कुरान मजीद की एक आवाज आई कुरान मुत्तकीन कुरान हिदायत करता है

और वो अहले किताब की तरह ना हो जाए जिन्हें किताब दी गई तो एक अरसा गुजरने के बाद उनके दिल सख्त हो गए और उनकी अक्सरियत बदकार हो गई जो पहला हिस्सा आयत का क्या साहिबान ईमान के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल नर्म हो जाए और जिक्र खुदा यू नो अल्लाह की तरफ से हक की तरफ से ये करीब हो तो इसने फौरन इसके दिल पे ये आयत असर कर गई કોઈની કિશત શત કામ આવ્યો ये आयत उसके दिल पे ऐसी असर कर गई यानी ये वाकया हमको हकीकत में गोस बम्स देने के लिए काफी है कि मैं पूरा कुरान पढ़ लेती हूँ मैं फखर करती हूँ आज पांच रोजे हो गए मैंने तो पता है आधे से ज्यादा कुरान पढ़ लिया या मसलन किसी का खुदा तोफी दे हो सकता है किसी ने पूरा कुरान मजीद खत्म कर लिया पूरा जिक्र कर लिया फाइव डेज के अंदर तो ये कितनी कमाल की बात है ना कि मैं पूरा कुरान पढ़ लू और मुझे कोई नहीं है मेरे अंदर कोई चेंज नहीं है कोई अस्तकफार नहीं है और यह बंदा एक आयत वो भी पढ़ी नहीं किसी से सुनी इक्को इंसिडेंटली सुनी और उसके दिल पे इतना असर कर गया कि वो तौबा किया गिरिया किया माफी मांगा और उसने फौरन कहा हां वो वक्त आ गया है हाँ वो वक्त आ गया फिर जब वो वहां से हैरान और परेशान भटकता हुआ चला तो यहां वहां भटक है कि मैं क्या करूं मैं कैसे तोबा करूं मैं कैसे अपने रब को मनाऊ तो उसने सुना कि किसी कारवाह में कोई बातें कर रहा था कि चलो निकलते जल्दी जल्दी सफर करते अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो उसके साथी ने कहा नहीं फुजैल रास्ते में होगा ये फुजैल का इलाका है कहीं हमको लूट ना ले

तुम बेखौफ़ होके जा सकते हो सफर कर सकते हो इतना चेंज आ गया कि बाद में उसने हर एक को तलाश किया जितना मुमकिन हो सकता था उसने जिस जिस से जो भी सामान लिया था वो सारा उनको लौटा दिया और फिर इतना इल्म हासिल किया अल्लाह ने उसके दिल पे इल्म उतारा कि बाद में वो बहुत ही ज्यादा हकीम आलिम लोगों में शुमार होने लगा माह मुबारक मेरे पास इतनी सारी दुआओं के खजाने इतना इस्तफार है अल्लाह सुबह नव वक्त इफ्तार डेली कम से कम एक लाख लोगों को माफ करता है जुमा शबे जुमा आते अल्लाह इस तादाद को बढ़ा देता है आखिरी दस दिन हो गए माय रमजान मुबारक के अल्लाह इस तादाद को और ज्यादा बढ़ा देगा जब वो माफ करने पर तुला है जब वो बख्शना चाहता है तो फिर मैं अपने आप को उसकी रहमत और बख्शिश से महरूम कैसे रख सकती हूं तो मैंने खुदा से क्या मांगा अल्लाह आज मुझे तेरी बारगाह में इस्तफार करने वालों में करार दे अच्छा ये इस्तफार के बाद क्या करना है जो फुजैल ने किया वो करना है हमको मुस्तकफरीन से इबादल साल के मंजिल को खरस करना है हमको इस्तफार करना है इसगफफार करते करते हमको खुदा से और क्या मांगना है अल्लाह सिर्फ तोबा करके बैठ ना जाऊं बल्कि मैं ऐसी तोबा करूं कि मैं तुझसे करीब हो जाऊं तो फिर मम ने आज दूसरा क्या मांगा वजी फी है मिन इबाद का सॉलहीन मेरा शुमार तेरे नेकुकार बंदों में कर तेरे सालह बंदों में कर कौन है सालह बंदा अच्छे अमल करने वाला गुड डीट्स करने वाला कौन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रॉफी होगी बहुत बड़ी स्टेटस होगा अगर मैं इबादल साल की मंजिल पर आ जाऊं अब दु साल जनाब मुस्लिम अबिन अकील थे अब्दुस सालह हजरते मौला अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहि सलातो व सलाम मोहम्मद वली मोहम्मद वजिल फरज हम लासी क्या मांग रही हूं खुदाया मैं ऐसी तोबा करूँ कि मैं उस मुकाम पे आ जाऊं कि जो तेरे सालह बंदे है उसमें तू मेरा शुमार कर जिस पे नमाजी सलाम भेजते हैं हम नमाज में सलाम फेरते हैं ना अल्लाह तेरे अब दु साल सालह बंदों पे सलाम तो सारे नमाजे जिस पे सलाम करे मुझे वैसा अच्छे अमल करने वाला पाको पाकिजा करार दे और सिर्फ इबादे को सालहीन अल कान तीन कान किसी कहते वन ऑफ द तर्जुमा एक जो उसका अगर हम फाइंड आउट करें कि कानतीन किसे किसी कहते हैं बहुत ज्यादा कनौत करने वाले को एक रिवायत में अल्ला सुबह ने फरमाया कि मैं बंदे की उस यानी मैं उस बंदे की नमाज कबूल करता हूँ जिसका खनूत अच्छा लगे या मैं उतनी नमाज कबूल करता हूँ जितना उसका खनूत अच्छा और लंबा हो या यू नो लेंदी कूत करने वाले को अल्लाह पसंद करता है कभी कभी मैं ये समझती हूं कि खनूत तो मुस्तब है ना तो मैं मैं छोड़ देती हूं मैं तर्क कर देती हूँ कि मुस्त है सिर्फ अरकान को अंजाम दे मगर अल्लाह को वो नमाज पसंद है जिसमें कनूत हो और सिर्फ कनूत नहीं हो लंबा सा कनूत हो हाथों को फैलाना हाथों को उठाना गिड़ गिड़ाना अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश कर देना अपनी हाजत उसी से मांगना ई या कहना अब दो व ई या न अल्लाह मेरा कोई नहीं है मैंने अपने सारे अमर तुझे सौंपे अपने आप को खुदा की बारगाह में पेश करे, हकीर समझे तो तुम और कान में हो जाओगे और फिर हमने अल्लाह से क्या मांगा वज़ मुखरबी मुझे तेरे औलिया में शुमार कर यानी वन मोर डिग्री हाई प्रमोशन तोबा करना एक डिग्री मुझे आगे ले गया क्यों अल्लाह तोबा करने वाले से मोहब्बत करता है फिर हम आगे बढ़े कि एक मरतबा एक प्रमोशन हुआ तोबा किया दूसरा प्रमोशन किया हम अब्दुल सोलह हो गए तीसरा द हाइस्ट डिग्री ओलियाे खुदा वलील में शुमार कर अल्लाह मेरा शुमार तेरे ओलिया में कर जो मुखर्रब है तुझसे करीब है ऐसे लोग कौन खुदा के नजदीक है कौन खुदा के करीब है किस तरह के लोग अल्लाह के करीब हो सकते हैं या फिर ये कहूं कि मैं कोई भी इबादत करती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ खुरबतन लल्ला नमाज रोज़ा रोजाबन मैं अल्लाह के करीब होना चाहती हूँ क्या अभी तक मैं अल्लाह से करीब नहीं हुई तो शायद खुदा बंद आलम जवाब देगा कि मैं तो तुझसे करीब हूं मेरे बंदे तू मुझसे दूर है तेरे गुनाह तेरे बुरे आमाल तुझे मुझसे दूर किए हुए है वरना मैं तो तु तुझसे करीब हूं कितना करीब क़ाफ, सूरा नंबर फिफ्टी आयत नंबर सिक्सटीन वन सिक्स में अल्लाह क्या कह रहा है व नहनो अक्रब अल मिन हबल वरीद हमने इंसान को पैदा किया है और हमें मालूम है कि उसका नफ्स क्या क्या वसव से डालता है अल्लाह कहते हैं मुझे मालूम है कि शैतान तुझसे गुनाह करवाएगा तुझसे गलतियां करवाएगा तू वसवसों में मुब्तला होगा और हम उसकी रगे गर्दन से ज्यादा करीब है हब लिल वरीद हम हम तुझसे करीब है आई नो हाव यू मेरे बंदे मैं जानता हूं कि तू कैसा है तू कितनी कितना कमजोर है तू शैतान के वसवसे में बहुत जल्दी आ जाता है मगर परवरदेगार कहता है कि मेरे बंदे तो अपनी सारी कमजोरी सारी बुराई सब कुछ छोड़कर सब कुछ भूलकर या अपने गुनाहों का इस्तगफार करते हुए जब मेरी बारगाह में आएगा तो मैं तुझे अपने वलियों में शुमार कर दूंगा जब तू तो सच्ची तोबा करेगा क्योंकि खुदा जो इस आयत में कह रहा है ना कि क़ाफ की आयत नंबर में कि मैं तुमसे बहुत करीब मैं मैं जानता हूं कि तुम्हारी कमजोरी क्या है मगर ऐ बंदे बस एक बार तोबा कर और सच्ची वाली तोबा कर नादमो वाली तोबा कर दोस्त रखता है अल्लाह मोहब्बत करता है तोबा करने वालों को सूर बकरा आयत नंबर टू ट्वेंटी टू तो हमने अल्लाह सुबह वाली से तीन चीजें मांगी और फिर हमने क्या कहा अल्लाह मुझे अपने औलिया में अपने ओलिया में और अपने करीबी रहने वालों में करार दे बेरा फतेह का या राऊफ अल्लाह रऊफ करीम से भी शायद जो आगे की मंजिल है बहुत 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 ज्यादा मेहरबानी करने वाला अपने कर्म से अपनी चाहत से अपनी मोहब्बत से तो अपने बंदे से मोहब्बत करता है बेराफ़ते का या अरहमर राहमीन अल्ला मोहम्मद व मोहम्मद वज